रैलियों में दिखा चुके हैं दम, अपने दल से कर चुके बगावत, किंग मेकर बन सकते हैं बीजेपी कांग्रेस के ये बागी नेता। राजस्थान चुनाव मतदान के बाद अब सबकी नजर रिजल्ट पर टिकी है। इस बार के चुनाव को लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, वहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी जमकर हो रही है कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बीजेपी कांग्रेस के बागी किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, यानी कि राजस्थान में किसकी सरकार आएगी ये बागी तय कर सकते हैं। इस बार चुनावी मैदान में ऐसे कई नेता हैं जिनकी रैलियों के जरिए यह साफ हो गया है कि वो सत्ता के समीकरण को बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जनसत्ता के इस खास रिपोर्ट में आइए जानते हैं कौन हैं वो दमदार नेता। चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या। बीजेपी ने इस बार चित्तौड़गढ़ सीट से भैरव सिंह शेखावत के दामाद और पार्टी के वरिष्ठ नेता नरपत सिंह राजवी को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी की ओर से वर्तमान विधायक चंद्रभान आक्या का टिकट काटे जाने के बाद वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि चंद्रभान आक्या की नामांकन रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसके बाद उन्हें शक्ति प्रदर्शन का एक मौका भी मिल गया था। शिव सीट से रविंद्र भाटी। राजस्थान के जैसलमेर जिले की शिव विधानसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। शिव इलाके के स्थानीय नेता होने के चलते माना जा रहा है कि यहां के एक मजबूत दावेदार हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन को मजबूत तरीके से चलाया, युवाओं के बीच उनकी खासी चर्चा है। डिडवाना से यूनुस खान। नागौर जिले की डिडवाना सीट से यूनुस खान ने भी निर्दलीय चुनावी ताल ठोक दी है। यूनुस खान वसुंधरा खेमे के नेता माने जाते हैं, जो साल 2018 के चुनाव में सचिन पायलट के सामने मैदान में खड़े थे। उन्हें यहां लगभग 50,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री यूनुस खान डिडवाना से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। झालावाड़ से कैलाश मीणा। इसी तरह झालावाड़ की मनोहर थाना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कैलाश चंद मीणा निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। इस वजह से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। 3 दिसंबर के नतीजे के बाद कैलाश चंद मीणा कांग्रेस में बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस के बागी कैलाश साल 2008 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और 13,104 मतों से जीत हासिल करके विधायक बने। हालांकि उसके बाद 2013 और 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर कैलाश चंद मीणा ने लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2023 में भी वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें नकार दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।